हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में शामिल हो सकता है IVF प्रोसीजर। शिल्पी सिन्हा, मुंबई। इंश्योरेंस कंपनियां अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में IVF प्रोसीजर के खर्च को शामिल करने पर विचार कर रही हैं। यह फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स को हेल्थ इंश्योरेंस में कवर करने की दिशा में पहला कदम होगा। इंश्योरेंस कंपनियां लंबे वेटिंग पीरियड और फ्रॉड से बचने के लिए खर्च की लिमिट तय करने के साथ पॉलिसी होल्डर्स को इस ट्रीटमेंट की पेशकश कर सकती हैं। एक बार IVF का खर्च 1.25 लाख रुपये। अभी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में IVF और फर्टिलिटी से संबंधित उपचार को शामिल नहीं किया जाता। एक बार IVF कराने का खर्च सामान्य तौर पर लगभग 1.25 लाख रुपये होता है। इंश्योरेंस कंपनियां इसकी लिमिट तय करने की योजना बना रही हैं क्योंकि यह एक हेल्थ प्लान का हिस्सा होगा। IVF की कॉस्ट 2.5 लाख रुपये प्रति साइकिल। IVF ट्रीटमेंट से गर्भधारण करने में मुश्किलों का सामना करने वाली महिलाओं को मदद मिलती है। IVF की कॉस्ट 2.5 लाख रुपये प्रति साइकिल तक जा सकती है। 10-15% दंपति फर्टिलिटी से संबंधित समस्याओं का सामना करते हैं। रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर निखिल अप्टे ने बताया, हम हेल्थ प्लान में IVF ट्रीटमेंट को शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। फ्रॉड से बचने के लिए हम उन लोगों को इस सुविधा की पेशकश करेंगे जो हमारे साथ 6 वर्षों से जुड़े हुए हैं। यह फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स को कवर करने की दिशा में पहला कदम होगा। पहली बार ट्रीटमेंट असफल रहने पर अन्य साइकिल के लिए कवरेज संभव। IVF के लिए इंश्योरेंस प्लान में एम्ब्रियो के ट्रांसफर की कोशिशों की संख्या बताई जाएगी। पहली बार ट्रीटमेंट असफल रहने पर अतिरिक्त साइकिल के लिए कवरेज मिल सकता है। यह उन हेल्थ प्लान में शामिल होगा जिनमें आउटपेशेंट केयर, इमरजेंसी सर्विसेज, पीडियाट्रिक सर्विसेज और मैटरनिटी और न्यूबॉर्न केयर के लिए कवरेज होती है। ICICI लॉम्बार्ड के अंडरराइटिंग हेड संजय दत्ता ने कहा, IVF योजना बनाने के बाद होता है और इसे अभी कवर नहीं किया जाता। अप्टे ने बताया कि यह अधिक रकम वाले इंश्योरेंस प्लान का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने कहा कि बैरियट्रिक सर्जरी के लिए भी कवरेज देने पर विचार किया जा रहा है। इस सर्जरी की कॉस्ट 4-7 लाख रुपए के बीच होती है।